तृतीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में प्रधान सचिव बताया कि हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था, उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था। मोबाइल बदलने के बाद कोई कंप्यूटर से सब सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,000 से अधिक सभी प्रबंधकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 चार्ट पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयोग ने किया, उनका बहुत आभार है हमारे तरफ से, सरकार की ओर से। हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है, अनुमंडल पदाधिकारी का SDO ने जिसकी सारी जांच की है, अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया है। इसलिए जिंदा इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया, हम लोगों के तो सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया और CBS पोर्टल जो है हमारा उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेंड किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का, ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है, ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए ये पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, बिजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था, पहले इनुमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनुमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी, इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था, नीचे के स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने, थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूंगा, एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट SQL में है और
नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे एनुमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहे तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिजाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी, नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके, और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग 300 के लगभग न्यूमरेटर्स पे, उनके जो अनुभव उनके साथ घूम घूम के जो समझ में आया उसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया, और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। A caste based survey, something that has not been stayed by the courts, and this is a huge shot in the arm for the regional parties in the state of Bihar, will be benefiting the politics of especially people like Tejaswi Yadav, as it was his father Lalu Prasad Yadav at the forefront of this brand of secularism and how he backed all the OBCs and other backward classes and the scheduled castes and tribes to be having that kind of role.